हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर हम आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स रिलेटेड विद इंटरव्यू। आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल सी दैट हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग अराइज बाय द पैनल मेंबर्स, कि कैसे पैनल मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। अभी तक इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके एकेडमिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लेंगे क्वेश्चंस की एक दूसरी कैटेगरी और बात करेंगे कि उस कैटेगरी से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 21 एंड दोज MNS वॉरियर्स हु आर गोइंग टू फेस देयर MNS रिटन एग्जामिनेशन इन 2021, इफ़ दे वॉन्ट टू गिव अस अ चांस to be a small part of their success story, then you can get our number that is displayed on your screens. आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, डिस्प्ले किया जा रहा है लगातार। आप अगर अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका हमें देना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू। ऐसे कैंडिडेट्स जो 2021 के लिए MNS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दे कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको MNS से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे एक और कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि आपके एकेडमिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी हैव डिस्कस दैट हाउ क्वेश्चंस कैन बी अराइज रिलेटेड विद द एकेडमिक्स, ठीक है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ क्वेश्चंस कैन बी अराइज रिलेटेड विद योर फैमिली बैकग्राउंड। आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, देयर इज़ अ पैनल, ये यहाँ एक पैनल होगा। यू हैव टू फेस अ पैनल ऑफ 4 to 5 मेम्बर्स। आपको 4 to 5 मेम्बर्स का पैनल एक फेस करना होगा। ईच एंड एवरी पैनल मेम्बर कैन आस्क यू क्वेश्चन सेपरेटली। हर एक पैनल मेम्बर आपसे क्वेश्चन सेपरेटली पूछ सकता है एंड एवरी वन इज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और वहाँ पर जो भी पैनल मेम्बर्स हैं दे आर फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, वो बिल्कुल फ्री हैं आपसे कुछ भी पूछने के लिए। ऐसी कंडीशन में यू हैव टू आंसर देम एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजंस। आपको अपने आंसर भी देने हैं, साथ ही साथ अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है प्रॉपर रीजंस के साथ, ताकि ऐसा ना लगे दैट यू आर अ फेक कैंडिडेट और आप कोच कैंडिडेट हैं या फिर कुछ झूठ बोल रहे हैं, हैं कुछ और साबित कुछ और करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आज बात करने वाले हैं कि फैमिली बैकग्राउंड से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, इन दैट फॉर्म यू हैव मेंशन्ड दैट देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, ओके। सो यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट देयर आर 4 or 5 or 3 मेंबर्स इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में 4, 5 या फिर कितने मेंबर्स हैं। तो दे आर वेरी क्लियर विद दिस कि देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। ये उन्हें पता है पहले ही कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड विद योर रिलेशन विद ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके रिलेशन से रिलेटेड, कि आपका हर एक फैमिली मेंबर से कैसा रिलेशन है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक कि इन योर फैमिली देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स, तो हुम डू यू ट्रस्ट मोस्ट, आप किसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। टू हुम यू कैन शेयर योर पर्सनल थिंग्स, आप अपनी पर्सनल थिंग्स किसके साथ शेयर कर सकते हो। टू हुम यू कैन शेयर एनी ऑफ योर इमोशन फ्रीली, आप किसके साथ अपना इमोशन फ्रीली शेयर कर सकते हो। हाउ यू आर शेयरिंग योर बॉन्ड विद योर फादर,
कि आप कैसा, किस तरीके का बॉन्ड शेयर कर रहे हो अपने फादर के साथ। आर यू वेरी कंफर्टेबल विद हिम और नॉट, आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो या नहीं। इसके बाद दे कैन आस्क दैट हाउ यू आर शेयरिंग अ बॉन्ड विद योर मदर, आप अपनी मदर के साथ कैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हो। आर यू वेरी कंफर्टेबल विद हर, यू कैन शेयर योर इमोशंस विद हर, यू कैन टेल हर योर पर्सनल थिंग्स और नॉट, यू कैन शेयर योर एवरीथिंग विद हर और नॉट। इसके साथ साथ वो आपके सिबलिंग्स के साथ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दैट इफ़ यू आर हैविंग अ यंगर ब्रदर तो विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर, आर यू हेल्पफुल टू हिम और हर और नॉट, दे आर सपोर्टिंग यू और नॉट, डू यू हेल्प देम इन स्टडीज और नॉट, डू यू टीच देम एट होम और नॉट, डू यू हेल्प देम इन देयर प्रोजेक्ट वर्क्स और नॉट, एंड सो मैनी थिंग्स। वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, और आपके बाकी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वाई दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वाई दे आस्क यू हू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि वो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। देखो, दे आस्क यू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन टू चेक योर पर्सनैलिटी, वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर सकें। दैट आर यू अ कैंडिडेट हु कैन एक्लेमेटाइज वेरी ईजिली और नॉट, आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो किसी भी सिचुएशन में बहुत आसानी से एक्लेमेटाइज खुद को कर पाते हो या नहीं। ठीक है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हो, किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से डील कर लेते हो, दैट मीन्स इनडायरेक्टली दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी। देखो, नर्सिंग इज़ अ वेरी नोबल कॉज, ठीक है, नर्सिंग जो है एक बहुत नोबल कॉज है, बहुत नोबल वर्क है। इसमें यू हैव टू बी पोलाइट, आपको पोलाइट होना पड़ता है। पेशेंट, योर पेशेंट विल बी इन वेरी हार्श कंडीशंस, आपके जो पेशेंट होंगे वो बहुत हार्श कंडीशंस में होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली इरिटेटेड होंगे, दे विल बी मेंटली इरिटेटेड, दे विल बी फिजिकली इरिटेटेड, एंड देयर अटेंडेंट्स ऑल्सो, जिनके अटेंडेंट्स होंगे वो भी मेंटली फिजिकली काफ़ी इरिटेट होंगे। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे एक उम्मीद की जाती है बींग अ नर्स कि आप बहुत आसानी से उन्हें संभालो और उन्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करो। हालांकि जो MNS नर्सिंग होती है, जो MNS ऑफिसर्स होते हैं, एंड द वर्क ऑफ द नर्सेज दैट यू सी इन योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मीन्स इन योर सिविल हॉस्पिटल्स, और जो एक MNS ऑफिसर का वर्क होता है, बोथ द वर्क्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ये वर्क्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है हु इज़ रिलेटेड विद आर्मी बैकग्राउंड, जो आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, और उन्होंने अगर कभी कमांड हॉस्पिटल विजिट किया है, एंड हैव यू सीन दोज MNS ऑफिसर्स एंड हैव यू ऑब्जर्व देयर वर्क कि वो काम कैसे करते हैं, तो यू कैन से दिस वेरी क्लियरली दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ दोज MNS वॉरियर्स एंड बिटवीन द वर्क ऑफ दोज MNS ऑफिसर्स एंड दोज हु आर सर्विंग इन सिविल हॉस्पिटल्स। एक डिफरेंस होता है उनके बीच, जो MNS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके बीच जो एक सिविल हॉस्पिटल में जो नर्सेस काम करती हैं, उनके वर्क में डिफरेंस होता है। वो वर्क में डिफरेंस क्या है बेटा, MNS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन्हें आप जो पेशेंट है उन्हें डील करना होता है, दे हैव टू चेक वाइटल्स और जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो काम करना होता है। लेकिन जो आपके सिविल हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं, उन्हें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, दे आर नॉट ऑफिसर्स, तो दे आर सपोज टू डू मैनी वर्क, ठीक है, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, दे आर नॉट ऑफिसर्स, दे आर नॉट बींग ट्रीटेड एज ऑफिसर्स, उन्हें ऑफिसर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है। हालांकि नर्सिंग इज़ सेम, नर्सिंग जो एक वर्ड है नर्स, दैट इज़ सेम फॉर बोथ द कैंडिडेट, फॉर बोथ द पर्सन्स, फॉर एन MNS ऑफिसर ऑल्सो एंड फॉर अ सिविल नर्स ऑल्सो, तो नर्स वर्ड जो है वो एक सिमिलर ही है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि यू शुड बी पोलाइट इन योर बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर में पोलाइट होना चाहिए ताकि आप जितनी भी हार्श कंडीशंस हैं उनके साथ डील कर सको। ये सारे आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेशन जानने का नतीजा, सिर्फ जो मकसद है उनका सिर्फ यही है ताकि वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर सकें कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी पेशेंट हु इज़
हु इज़ इन ट्रबल और बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और ही और शी इज़ बिहेविंग वेरी रूडली, सो यू कैन काम डाउन दैट पेशेंट और नॉट. ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को जज करती हैं. हमेशा अपने आंसर्स के साथ पोलाइट रहिएगा, जो भी आंसर दे रहे हैं उनके साथ ऑनेस्ट रहिएगा, ऑनेस्टली आंसर करिएगा. फेक बनने की वहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है. अपने आंसर्स को जज, वहाँ पे आपके आंसर्स भी जज किए जा सकते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो. आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा. तो बिल्कुल भी फेक मत होइएगा. कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कैंडिडेट है कुछ और दिखा कुछ और रहा है. अपने ऑनेस्टी का वहाँ पे परिचय दीजिएगा, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा. कोशिश करिएगा जो आपकी खुद का बिहेवियर है वहीं पर आपकी वैसी ही इमेज एक बन के आए. ठीक है, इसके साथ अपने अगले वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक्स होते हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू एवरीबडी.